शांति। आज 11 जुलाई 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है, इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर है, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना, यही ऊंच मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी शलाय मानी न आए तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ, वहाँ यह समझते हैं, अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भू भू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंचते ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्यों को देवता किए, किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं, तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो, जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है, इस समय यह कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वा रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं, वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं, वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है, मनुष्यों को क्लियर कर बताना है। ऐसी लिखत छपी हुई हो तो झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा यह ऐसे यानी निबंध बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर कर लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वह निकाल कर दे देने चाहिए, तो समझे हम तो दुख धाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़े ही है कि हम कलयुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं, यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी, परंतु मनुष्य समझते थोड़े ही है, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रत्न, वह समझते हैं शास्त्रों में रत्न है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे, यहाँ तो अपार दुख है, दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। इस दुख धाम में अपार दुख है, यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरे तरफ फिर अपार सुख, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं, तो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। यह कोई समझते थोड़े ही है कि इस समय दुख धाम है, इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं, यह थोड़े ही जानते हैं कि यह सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उनको बहुत मिलते हैं रिश्वत के, बाप ने समझाया है, यह सब है माया का, साइंस का घमंड, मोटरे एरोप्लेन आदि, यह सब माया का शो है,
यह भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भपका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पॉम्प। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, अगर माया की कहा प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनलाइज्ड है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं, आप निर्विकारी हम विकारी। इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखे, बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखे, हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं, फलानी बहुत अच्छी है यह करे, कुछ अंदर में आता है यह तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं, जरा भी चलाए माने न आए, बहुत मेहनत है, कोई विरले ऐसे होते हैं आके कुछ न कुछ धोखा जरूर देते हैं। ड्रामा किसकी सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा, खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहा हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बनना कोई ऊंच मंजिल है, चढ़े तो शाखे अर्थात राजाओं का राजा बनते, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है, भल कितने बड़े आदमी हैं समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहां कोई हमें उड़ा न दे। हर एक मनुष्य में अशांति है, कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी बल भरे, वहां तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती हैं। तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही, इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं, कदम कदम पर भूले होती रहती है, थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखो, भूल हुई फौरन नोट करो, 10-20 भूले तो रोज करते ही होंगे जब तक अभूल बने, परंतु सच कोई बताते थोड़े ही हैं। देह अभिमाने से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, वह अंदर खाता रहेगा, कई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं, जानवर समझते हैं क्या, तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे, अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितने चेंज होते जाते हैं। यह आंखें तो बहुत धोखा देने वाली हैं, सबसे तीखी है आंखें। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था, क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे, मालूम नहीं पड़ता, गर्भ में सुन्न ही सुन्न रहते हैं, आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती, जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े, तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, बस यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है, फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाड़ बजाएंगे, सुन्न होने का अभी समय है, भल आत्मा संस्कार ले जाती है, जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं, अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का इस शरीर का भान उड़ा देना है, कुछ भी याद न रहे, परहेज बहुत रखना है, जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पार्ट है, मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर, महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते, अभी तुम अर्थ सही जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं, मनुष्य के पास तो करोड़ पदम है, यह माया का पॉम्प है ना, साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वह वहाँ भी होंगे, वह बनाने वाले वहाँ भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे, यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो, एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं, इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं
फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहाँ भी साइंस तो चाहिए ना, टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहाँ सब सुख की बातें होती हैं, जो सुख धाम में था वह फिर होगा। वहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं, यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहाँ अपरम पार सुख है। अभी हम यह स्थापन कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। यह इस समय की बात है, तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यह तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, योग बल नहीं है, क्रिमिनलाइज है तो उनका तीर लग नहीं सकता, आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रहे किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए, नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि यह है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम, कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो भी काग विष्टा के समान है। सतयुग में अपार सुख है, मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को भी कोई जानते ही नहीं तो ज्ञान भी दे कैसे सकते। वह आते ही है रजो प्रधान समय में, वह फिर राजो कैसे सिखलाएंगे। यहाँ तो सुख है काग विष्टा समान, राजयोग से क्या हुआ था यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, यह भी सब ड्रामा चल रहा है, अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, यह तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं, दुनिया में अनेक दुख हैं, अभी कोई सुख है थोड़े ही। भल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो, रावण राज्य कलयुग के अंत में यह सब बातें हैं। सुख धाम में दुख की एक भी बात नहीं होती है, सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग, बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते हैं। तुम बाप बच्चों की झोली भरते हो, गायन भी है, धन दिए धन ना खूटे, धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं, हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। यह सब है अविनाशी ज्ञान रत्न, नंबर वार तो हर बात में होते हैं ना, यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रूह प्रजापद पाएगी, जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते रूहानी बच्चों को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, बाप दादा वो मात पिता का दिल व जान, सीख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि अ आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही, ब आंखें सिविल रही, स देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ। दूसरी पॉइंट है बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। आज का वरदान है सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर
सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। विश्लेषण है, आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। आज का स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। अच्छा, ओम शांति।